लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देश भर के लोग अपना पैसा बदलने के लिए, यानी कि नोट बदलने के लिए, और दूसरी तरफ एटीएम से पैसा निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और मुंबई की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। अब एक बार सीधे रुख करते हैं नित्यानंद शर्मा, क्योंकि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। नित्यानंद, ये बताइए कि आज लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? लगातार तीन दिन से हम यही तस्वीर देख रहे हैं, एटीएम के बाहर लंबी लाइन लगी रहती है, बैंक के बाहर लंबी लाइन लगी रहती है। शनिवार और रविवार को बैंक खोलने का फैसला इसलिए किया गया कि लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो, लोगों को थोड़ा सा आराम मिले। क्या उस तरह से कुछ फायदा लोगों को मिल रहा है? जी, जिस तरीके से लोगों को थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन उसका रास्ता जो है प्रशासन, सरकार और कुछ बैंक ने निकाला है। आप देख सकते हैं मुंबई में ऐसे ही मोबाइल एटीएम जो है बैंक है, वो ये चलता फिरता बैंक हम इसे कह सकते हैं। यहाँ से जाकर, क्योंकि एटीएम में भारी भीड़ हो रही है, तो उसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने ये कदम उठाया है। मोबाइल एटीएम जो कि मूविंग वैन है, आप देख सकते हैं यहाँ लोग जो है वो कतार में खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें काफ़ी राहत मिली है इस मोबाइल एटीएम से। बैंक के अधिकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधा मुन्नी से जानते हैं सर क्या कहेंगे, ये आपने कदम उठाया और थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है। मुझे ये कहना है कि ग्राहक हमारे लिए भगवान स्वरूप है और हमारा पूरा देना बैंक स्टाफ दिन रात एक करके पूरे मन से जो है इनकी सेवा में लगा हुआ है। हमारे सीएमडी सर खुद ब्रांच जाकर वो देख रहे हैं कि व्यवस्था कैसी है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, सीनियर सिटीजन को जो है बैठने की जगह है या नहीं है। मतलब इतना माइन्यूटली जो है ग्राहक के लिए जो है हमारा पूरा बैंक पूरे स्टाफ सोच रहे हैं। तो जी, हम जी नहीं देना कि भी जो भी चल तो रहा बैंक है, बहुत का दावा है कि जो लोग पहुंच रहे हैं बैंक तक या फिर एटीएम तक, उनको परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसके बावजूद बता दें आपको कि आज सुबह से ही देश के बड़े बड़े शहरों में और छोटी छोटी जगहों पर भी लोगों की लंबी लंबी लाइन बैंक के बाहर और एटीएम सेंटर के बाहर देखने को मिली।